अरे वाह, मेरे फेवरेट बूंदी के लड्डू। एक काम करती हूँ, इन्हें बाद में खाती हूँ, तब तक इनको फ्रिज में रख देती हूँ। अगर मम्मी ने देख लिया ना कहीं तो सारे चट्ट कर जाएंगी। ये सही तरीका है। ये बहू मुझे किसी दिन उबला खाना खिला खिला के मारी देगी। पता नहीं किस डॉक्टर के बहकावे में आ गई है। डायबिटीज है, डायबिटीज है। इस चक्कर में कोई मीठा भी नहीं खा सकती हूँ। चलो जब तक फ्रिज का ठंडा पानी ही पी लेती हूँ। महारानी ने लड्डू फ्रिज में छुपा के रखे। चलो कोई बात नहीं, जैसी उसकी मर्जी है। ओ मेरी प्यारी सासू माँ, कितने आराम से पुस्कार पुस्कार के सो रही हैं। सोते हो कितनी क्यूट लग रही हैं। ऐसे ही सोती रहना, तब तक मैं लड्डू खा के आती हूँ, ठीक है? अबे ये क्या है, इतना कमजोर लड्डू? इसे पोलियो वोलियो हो गया है क्या? समझ गई मम्मी। अरे क्यों शोर मचा रही है? चिल्ला रही है, चिल्लाने वाली कामें करती हूँ आप। लड्डू सारे खा रही है, गुठलियां बना के छोड़ रही है इसमें, और ये हरकतें करती हूँ, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं लगेगी क्या? ये बहू तू ऐसे क्यों बोल रही, मैं तो सो रही थी अंदर। हाँ देखा कितना सो रही थी, बस लड्डू खा के फुसकारे मार के दिखा रही थी कि मैं सो रही हूँ। अरे मम्मी मैं तो आपकी भलाई के लिए करती हूँ, आप डायबिटीज की पेशेंट हो इसलिए मैं करती हूँ कि आप ना खाओ। लेकिन मम्मी आज आपने साबित कर दिया कि ये जमाना भलाई का नहीं है, यहाँ भले लोगों की कोई इज्जत नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा जो हुआ उसे भूल जा, मैं पछतावा करना चाहती हूँ। अब मैं लड्डू खा के पछतावा करके दिखाऊंगी। मम्मी गुटलियां तो छोड़ देते।